नमस्कार, मैं हूं कुलदीप। आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया न्यूज नेटवर्क। इस वक्त उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मौजूद है। यहां पर आज सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दौरा है। और आपको बता दें कि देश भर में पिछले 10-5 दिन से जो भारी वर्षा हुई, उससे बाढ़ का प्रकोप पूरे देश भर में है। उससे सहारनपुर भी अछूता नहीं इस बार रहा है। और यहाँ पर सहारनपुर में बात करें तो लगभग पहली बार ऐसा हुआ है इतने वर्षों बाद कि यहाँ पर भी बाढ़ का प्रकोप खूब हुआ है। और ये जेवी जैन का जो डिग्री कॉलेज है, जेवी जैन सहारनपुर का, एक गेट नंबर 1 है, यहीं से योगी आदित्यनाथ की एंट्री होगी। इसी में बाढ़ जो बाढ़ से पीड़ित है उनका राहत शिविर है, इसी में वो ठहरे हैं। यहीं पीड़ितों से आकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मिलेंगे, इनका हालचाल भी जानेंगे। आपको बता दें कि पहले सरसावा में हेलीकॉप्टर लैंड होगा, उसके बाद क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के वो चिलकाना क्षेत्र, जो नकुड़ विधानसभा का पड़ता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बाढ़ का असर है सहारनपुर ज़िले में, वहाँ का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, जानकारी लेंगे, देखेंगे क्या है। और उसके बाद पुलिस लाइन में आकर के हेलीकॉप्टर लैंड होगा। उसके बाद सड़क के जो ये रास्ता है, इसी रास्ते से जेवी जैन कॉलेज तक आएंगे, जहां पर पीड़ित जो है उनका राहत शिविर बनाया गया है। यहां पर उनसे मुलाकात करेंगे। 10-15 मिनट की इस मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ फिर वापस पुलिस लाइन जाएंगे, जहां पर जनप्रतिनिधियों के साथ और अक्षय जो भी यहाँ के अधिकारी हैं, आला अधिकारी, DM, SSP, उन सब के साथ मीटिंग करेंगे, विचार विमर्श करेंगे कि जो हालात सहारनपुर में बिगड़े हैं उसको कैसे नियंत्रण किया जाए। जो लोग शिफ्ट किए गए हैं घरों से बाहर, कोई धर्मशाला या जेवी जैन डिग्री कॉलेज में जहाँ राहत शिविर बनाया गया इनमें ठहरे हुए हैं, उनकी आगे क्या व्यवस्था की जाएगी, उनके खान पान की व्यवस्था सही से सुचारू रूप से चल रही है कि नहीं चल रही है, इसको लेकर हर तरीके से बातचीत होगी। और ये अमला जमला यहाँ पर देख रहे हैं, काफ़ी अधिकारी सभी लोग यहाँ पर, अभी एक काफिला निकला है योगी आदित्यनाथ को लेने, जिसमें NSG कमांडो से लेकर सभी गाड़ियाँ थी, DM, SSP, यहाँ की नगर आयुक्त गजल शर्मा से। और मैं आपको सामने से दिखाऊं, बैरिकेड किया गया यहाँ के आने वाले सभी रास्तों को, बैरिकेड किया गया, चप्पे चप्पे पर पुलिस है, छतों से लेकर के नीचे तक हर जगह, कुछ लोग ऊपर भी खड़े हैं या शायद अभी से खड़े हैं, महिलाएं देख रही हैं योगी आदित्यनाथ के झलक पाने के लिए, शायद अभी से खड़े हैं, बच्चे हैं, सभी लोग खड़े हैं। हालांकि आसपास की जो सभी मार्केट है, दुकानें हैं, वो बंद रहेंगी, वो अभी से बंद है, कुछ खुली हैं, उसका भी टाइम दिया गया है, अभी आधे घंटे में कुछ समय बाद वो भी बंद करा दी जाएंगी। और ये सामने भी बैरिकेड है, ये जितने भी रास्ते लिंक रोड से जुड़े हुए हैं वो सभी बंद कर दिए जाएंगे, केवल ये पुलिस लाइन तक खुला रहेगा, पुलिस लाइन से यहाँ तक आने के लिए योगी आदित्यनाथ। कुछ लोग यहाँ बैठे इनसे बातचीत करेंगे, कुछ लोग ये जो रास्ते हैं ये सभी बंद होंगे, यहाँ पर ये खड़े हैं बाबू जी, इनसे बातचीत करेंगे। जी सर, कैसे हो? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। यहीं पर रहते हो आप? हाँ जी। हाँ, तो आपके पड़ोस में आएंगे योगी जी? हाँ जी। तो देखने के लिए अभी तैयारी कर दी आपने? तैयारी है, तैयारी खड़े हो, बस वो पहननी टी-शर्ट। अच्छा, बस ऐसे मुख्यमंत्री को देखने का सौभाग्य मिल रहा है, मतलब ज़्यादा बढ़िया है। बहुत बढ़िया। क्या खूबी लगी आप? खूबी सबका साथ सबका विकास, सबसे बड़ी तो यही खूबी है। अच्छा, अच्छा। कि देख लो कानून व्यवस्था कितनी अच्छी है, कानून पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था अच्छी है, हर एक के लिए काम कर रहे हैं। ऐसी यशस्वी मुख्यमंत्री तो अगले 50 साल तक रहने चाहिए। तो आरोप लगाते हैं कि एक ही लोग को ध्यान रखते हैं, किसी दूसरे समुदाय का टारगेट करते हैं, बताओ ऐसा कैसे है? जितनी लगा सभी के लिए आ रहे हैं, आरोप लगाना तो जो जितना सफल होगा उस पर आरोप उतने ही ज़्यादा लगेंगे। अच्छा, जो जितना सफल होगा आरोप उतने ज़्यादा लगते होंगे। तो अभी से तैयारी कर ले, आप तो खड़े हो डटे सुबह? डटे पूरे, ऐसे मुख्यमंत्री को देखने का सौभाग्य मिल रहा हो, इससे अच्छी क्या बात है। आज गए नहीं काम काज के लिए? काम काज हमें सरकारी सेवा में थे, अब गवर्नमेंट ने रिटायर कर दी अपना, खड़े और क्या, अब तो मजे हैं। ये भैया भी खड़े हैं जी? भैया यहाँ पे की दुकान है क्या? हाँ जी, अपना ही शोरूम है भैया। अच्छा जी, तो आज तो यहाँ पे बंद होंगे आसपास के सभी? नहीं, अभी तो ऐसा कोई सूचना नहीं आई, 1 बजे के आसपास जो भी होगा वो कर दिया जाएगा, तो प्रशासन का बोलेगा, पर अभी ऐसी कोई सूचना नहीं आई अपने पास ना। और वैसे बंद करने में ही फायदा है सिक्योरिटी पर्पज से। तो इच्छा रहेगी योगी आदित्यनाथ को देखने की? जी बिल्कुल, ये तो सौभाग्य प्राप्त हुआ है हम सबको जो सहारनपुर में, और वो भी हमारे जस्ट पास में आए हैं बराबर में, ये तो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। चलिए तो कुछ और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये जो रास्ते हैं और ये जो रास्ते देख रहे हैं आप ये सामने, अभी कुछ ही देर में ये भी बैरिकेड किए जाएंगे, सभी रास्ते बंद किए जाएंगे। सामने ये जेवी जैन की ओर रास्ता जाता है दूसरे वाला, ये भी बंद किया जाएगा, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था को संभाल लेके जो कर्मचारी खड़े हैं, जो पुलिस वाले खड़े हैं, उनका कहना है कि सभी कुछ ही देर में यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा। और ये जो मलीपुर को जाता है रोड, ये भी बंद हो गया।
पुलिस लाइन से लेकर के जेवी जैन तक, जहाँ तक आपने दिखाया सामने कॉलेज है, जितने भी रोड पे जो कनेक्टिविटी रोड हैं वो सभी बंद कर दिए जाएंगे। इनसे बातचीत भी करेंगे कितने बंद होंगे, कब बंद होंगे। जी भैया, ये सामने वाले इधर रोड वर्क बंद होंगे सभी? नहीं, बंद नहीं होगा, फ्लीट आएगा तब बंद होंगे। फ्लीट आएगा तब बंद होंगे, कुछ ही देर के लिए होंगे। कुछ ही देर के लिए, 10-5 मिनट के लिए। भाई ये तो टाइम के उनके पास आदेश के ऊपर बात है, कब तक बंद होंगे। तो इनका कहना है कि जब फ्लीट आएगी तब ये बंद कर दिए जाएंगे। जब तक मुख्य योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे यहाँ पर, बाढ़ जो पीड़ित है उनसे मुलाकात करेंगे, यानी 10-20 मिनट तक सभी जो कनेक्टिविटी रोड है सभी बंद कर दिए जाएंगे। तो आपने देखा योगी आदित्यनाथ के प्रोग्राम को लेकर, उनके जो बाढ़ पीड़ित जो है उनसे मुलाकात का जो दौरा है, आज का दौरा, उसको लेकर प्रशासन बड़ी सख्ती से यहाँ पर इंतजाम कर रहा है। चारों ओर बैरिकेड की गई हैं, पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, कोई भी इधर उधर से ना आए, क्योंकि छतों पर भी पुलिस की व्यवस्था की गई है ताकि कहीं भी कोई परिंदा भी पर ना मारे, क्योंकि सुरक्षा जो है मुख्यमंत्री की वो सबसे प्रमुख मुद्दा होता है किसी भी जिले के अधिकारियों के लिए। तो आप भी जुड़ रहे हेडलाइंस उत्तर प्रदेश के साथ, मैं कुलदीप सिंह, सहारनपुर।